नमस्ते फ्रेंड्स, एमजी फैमिली किचन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं लौकी का छिलके की सब्जी बनाने जा रही हूँ। इस तरह से आपने कभी भी लौकी की छिलके की सब्जी बनाकर नहीं खाए होंगे, कोई तो इसका छिलका फेंक देते हैं, लेकिन इस रेसिपी को देखने के बाद आप लोग कभी भी लौकी का छिलका नहीं फेंकेंगे और इस तरह से सब्जी बनाकर खाएंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बनके तैयार हो जाता है और इसे आसानी से घर पर बनाकर खा सकते हैं और कम समय में बनाकर खा सकते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं और इस रेसिपी को पूरा देखिएगा, बीच में मत छोड़िएगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है और यह लौकी के छिलके को मैंने इस तरह से बारीक से इस काट लिया था, यानी इस तरह के पीसेस में कट कर लिया है। इस तरह का हमें ये लौकी का छिलका चाहिए और इस तरह से पीसेस में कट करके लेना चाहिए। फ्रेंड्स, जिस साइज में मैंने लौकी का छिलका कट करके लिया था, उसी साइज में मैंने एक आलू को भी इस तरह से कट करके लिया है। लगभग ये हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ पर मैंने हाफ स्पून पाँचफूरन लिया है, देख सकते हैं, और दो लाल मिर्च सूखा हुआ को इस तरह से बीच में दो हिस्सों में कट करके लिया था। इसको मैं डाल दूँगी, ऑयल गर्म हो चुका है, इस पर मैंने डाल दिया है और इस पर मैं अच्छी तरह से इसको चलाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता लिया है, इसको भी डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर कटा हुआ लौकी का छिलका डाल दूँगी, देख सकते हैं, और उसके बाद कटा हुआ आलू को भी डाल दूँगी। ये देखिए, डालने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से इस तरह से चलाऊंगी। इस तरह से बनाया हुआ लौकी का छिलका का सब्जी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो जाता है। हाफ स्पून यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया है, 1 स्पून हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इन सारे चीज़ों को मैं अच्छी तरह से इस तरह से चलाऊंगी, देख सकते हैं, और इसको मैं कम आँच में फ्राई करूँगी। अभी मैं इसको 5 से 6 मिनट ऐसे ही कम आँच में फ्राई करने के लिए छोड़ दूँगी। 5 से 6 मिनट हो चुका है, देख सकते हैं, इसको मैंने इस तरह से चला लिया। एक में एक दबा के देखूंगी, ये अच्छी तरह से नहीं पक चुका है। अब मैं फिर से इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लगभग लौकी का छिलका का सब्जी बनके तैयार हो चुका है। ये अच्छी तरह से पक चुका है, देख सकते हैं। अब मैं इसे एक प्लेट पर निकालूंगी। इसे आप लोग रोटी के साथ भी खा सकते हैं। कोई आपके पास सब्जी नहीं होती, इस तरह से भी आप लोग लौकी की सब्जी बनाकर खा सकते हैं। इस रेसिपी को देखने के बाद आप कभी भी लौकी का छिलका नहीं फेंकेंगे और इस तरह से सब्जी बनाकर खाएंगे। और इस रेसिपी को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।